वेलकम बैक एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम सनस्क्रीन्स के बारे में बात करेंगे। समर ने दस्तक दे दी है पूरी तरह, तो एक सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। हम एक पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है VLCC। VLCC वन ऑफ द बेस्ट सनस्क्रीन्स बनाता है, बट बात यह है ऑप्शन इतने सारे आते हैं तो सही कौन सी है आपके लिए कैसे पता लगेगा। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या देख के आपको सनस्क्रीन चूज करनी चाहिए। सही सनस्क्रीन लेना दो रीजन की वजह से जरूरी होता है। अगर आप सही सनस्क्रीन नहीं लेते, अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग नहीं लेते, तो आप उसको लगा ही नहीं पाओगे। आपका फेस आपको ऑयली फील होगा और आप वो लगा ही नहीं पाओगे। और सेकंड रीजन, अगर आप सही SPF या PA नहीं लोगे तो वो आपको प्रॉपर सन प्रोटेक्शन दे नहीं पाएगी और उसका नुकसान ये होगा लगाना ना लगाना एक ही बात हो जाएगी। तो आज की वीडियो में हम आपको दोनों चीजें बताएंगे, क्या देख के आपको कौन सी सनस्क्रीन चूज करनी चाहिए। सिर्फ SPF देख के नहीं, हम स्किन टाइप के बारे में भी बात करेंगे कि कौन सी स्किन टाइप के लिए कौन सी सनस्क्रीन बेटर है और क्या देख के आपको, क्योंकि सनस्क्रीन में कई तरह की वैरायटी आती है। कुछ आती है नॉन स्टिकी वाली, कुछ आती है मैट लुक वाली, कुछ आती है लोशन वाली। हम आपको कंप्लीट गाइड बताएंगे क्या देख के आपको कैसे सनस्क्रीन चूज करनी चाहिए, वो भी VLCC की। जैसे कि आप देख सकते हैं सारी VLCC की रेंज आपके सामने है, काफी सारी वैरायटी आती है, काफी सारे SPF आते हैं और PA भी अलग अलग होता है। हम स्टार्टिंग से बात करेंगे, पहले तो हर सनस्क्रीन का काम क्या होता है। सनस्क्रीन आपको दो चीजों से प्रोटेक्ट करती है, UVA रेस और UVB रेस। जो SPF होता है और PA होता है, ये मिलके आपको UVA और UVB रेस से प्रोटेक्ट करती है। तो दोनों चीजें देखना जरूरी होता है। सबसे पहले हम बेसिक की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं SPF 20 के बारे में। ये VLCC की सबसे बेसिक SPF है। SPF 20 काफी अच्छी रहती है अगर आपको बहुत ज्यादा बाहर नहीं रहना होता। आपको मतलब नॉर्मल है कि जैसे हमने बैल्कनी तक जाना है या हल्का फुल्का हम नीचे उतरते हैं, आउटिंग बहुत कम है, तो SPF 20 बहुत बढ़िया है। हैवीनेस फील होगी नहीं और सन प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी। PA++ इसमें आपको मिलता है जो कि काफी अच्छी प्रोटेक्शन देता है। इसके साथ साथ ये एक लोशन बेस में है, तो ऑल स्किन टाइप प्रोडक्ट है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो भी परफेक्टली चलेगा, नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए अच्छा प्रोडक्ट है। एक चीज जो और आपको क्लियर होनी चाहिए, हर सनस्क्रीन पे मेंशन होता है ऑल स्किन टाइप। होता वो ऑल स्किन टाइप है, बट जो टेक्सचर होता है वो सेपरेट करता है कि कौन सी स्किन टाइप के लिए कौन सा है। तो ये लोशन बेस है तो ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ ये आपको एंटी एजिंग बेनिफिट्स देता है। सन प्रोटेक्शन जो होती है वो आपकी स्किन पे एजिंग साइंस बढ़ा देती है, तो एजिंग से भी प्रोटेक्ट करेगा आपको और हल्की फुल्की सन प्रोटेक्शन भी देगा। अगर हम इसके प्राइसिंग की बात करें तो 100 ml ऑफ प्रोडक्ट का प्राइस है 275 rupees। नेक्स्ट जो वेरियंट की बात हम करने वाले हैं वो SPF 30। सबसे कॉमन जो बिकने वाला SPF है वो ये वाला है। अगर आपकी हल्की फुल्की आउटिंग है तो ये बहुत अच्छा ऑल्टरनेट, आप बाहर लगाओ और आपको अच्छी सन प्रोटेक्शन मिलेगी, बट बहुत ज्यादा आउटिंग नहीं होना चाहिए। अगर आप जैसे नॉर्मली क्लास तक जा रहे हो तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है। इसमें टोटल दो वेरियंट आते हैं, एक आता है मैट लुक वाला, एक आता है नॉर्मल जेल वाला। अब दोनों में आके डिफरेंस क्या होता है, जो मैट लुक वाला होता है वो हल्का सा टिंटेड होता है, आपको किसी एक्स्ट्रा चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने हल्का सा ही अप्लाई किया, हल्का सा ग्लो आ जाता है फेस पे, शाइन आ जाती है। दोनों में PA++ आपको मिलता है। अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो जो मैट लुक वाला होता है उसका 100 ml होता है 320 rupees का, और जो दूसरा जेल वाला आता है ये बहुत अच्छा ऑल्टरनेट है अगर आपको टिंटेड नहीं पसंद। ये हल्का फुल्का ग्लो दे देता है और जेल फॉर्म में होता है। इसके अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो 100 ml ऑफ प्रोडक्ट का प्राइस होता है 375 rupees। दोनों में से कौन सा चूज करना चाहिए? अगर आपको बिल्कुल भी टिंटेड लुक नहीं पसंद तो आपको ये वाला लेना चाहिए, जेल वाला। अगर आप टिंटेड लुक चाहते हैं कि हमें कुछ अप्लाई ना करना पड़े तो ये वाला बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए। नेक्स्ट वेरियंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है SPF 40। ये PA++ के साथ आता है, 100 ml का प्राइस है 395 rupees। टेक्सचर की अगर हम बात करें तो जेल क्रीम जैसा टेक्सचर है, तो ऑयली स्किन के लिए बहुत बढ़िया रहता है, वैसे ऑल स्किन टाइप प्रोडक्ट है। अगर आपकी आउटिंग 1 से 2 घंटे के लिए है बाहर तो SPF 40 से कम आपको नहीं लेना चाहिए, वरना उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। अगेन ऑल स्किन टाइप प्रोडक्ट है, पैराबेन फ्री है, ऑयल फ्री है, नॉन ग्रीसी है। ये तो VLCC की हर सनस्क्रीन साथ आता ही है, क्वालिटी बहुत बढ़िया होगी। आउटिंग ज़्यादा है गो फॉर SPF 40, इससे कम आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अब फाइनली हम बात करते हैं SPF 60 की। इसमें PA++ मिलता है, ये कंप्लीट सन प्रोटेक्शन है। अगर आपकी आउटिंग बहुत ज़्यादा है या फिर आप कोई बीच वाले एरिया में जा रहे हैं जहाँ सन बहुत नियर है, तो SPF 60 आपको लेना चाहिए। इसमें जो एडेड चीज़ आपको मिलती है वो मिलती है वाटर रेजिस्टेंट। इसमें वाटर प्रूफ आपको होता है, अगर आपको पसीना आ रहा है या फिर वाटर आपका लग रहा है तो ये हटेगा नहीं, आपको रीअप्लाई नहीं करना पड़ेगा। बाकी जितनी सनस्क्रीन है वो वाटर प्रूफ नहीं है। वाटर प्रूफ गलत मैंने बोल दिया, वाटर रेजिस्टेंट। दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। वाटर रेजिस्टेंट का मतलब ये होता है वाटर को रेजिस्ट करेगी, तो मतलब जब आपको पसीना आएगा, पसीना तो आपके फेस पे आ जाएगा बट सन प्रोटेक्शन नहीं हटेगी, तो इसका ये बेनिफिट आपको मिल जाता है। टेक्सचर बिल्कुल ऑयल फ्री है, अगेन जेल क्रीम जैसा टेक्सचर है। अगर हम इसके प्राइसिंग की बात करें तो 100 ml का प्राइस होता है 570 rupees। तो ये थी हमारी कंप्लीट वीडियो जिसमें हमने VLCC के सारे सनस्क्रीन के बारे में डिस्कस करा। कौन सी सनस्क्रीन आपके लिए सही है वो आप डिसाइड कर सकते हैं।
हमारी वीडियो देखने के बाद। एक एक का प्राइस भी हमने मेंशन कर दिया है, तो आप अगर कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करना चाहें तो ऑर्डर की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप हमारा स्टोर विजिट करना चाहें तो भी आप मोस्ट वेलकम है, आप हमारा स्टोर विजिट कर सकते हैं और हमारी वाइड वैरायटी देख सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया हम फ्री डिलीवरी करते हैं, आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अगर हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज योर चॉइस सचदेवा, गुड बाय।